हाँ जी बेटा, ये अपना जिरा हैगा 3 नवंबर का लैक्चर हैगा, जिस दे विच आपां नवां चैप्टर नंबर 6 लैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैंगे। ठीक है, लैटिक्स चैप्टर दे विच बेटा सब तो पहला जिरा अपने कोले आ जांदा है, वो अपने कोले रिलेशन आ जांदा है। रिलेशन दी डेफिनेशन जिहड़ी है वो आपां पहला रिलेशन चैप्टर कर चुके हैंगे, उहदे विच आपां सेम रिलेशन दी डेफिनेशन बारे पढ़ चुके हैं कि रिलेशन की होंदी है, कि जे ए ते बी अपने कोले दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ते दैन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द रिलेशन, ए क्रॉस बी द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द रिलेशन वेयर इन विच वी हैव द एलिमेंट्स लाइक ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, डेफिनेशन आप रिलेशन दे विच रिलेशन चैप्टर दे विच बहुत चंगी तरह कर चुके हैंगे, सेम उही टॉपिक है बेटा सारा, यह मैं तुहानू रिपीट नहीं करवावांगी, तुसी उत्थों सारा सेम उही चीज़ ही करनी है, अपने उही चीज़ है आर अपने को रिलेशन है, ते नंबर ऑफ एलीमेंट्स बारे तुहानू पहला भी मैं दस चुकी हूँ कि इफ द सेट ए हैज़ एम एलीमेंट्स एंड बी हैज़ एन एलीमेंट्स दैन देर आर टू द पावर एम एन डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, टू द पावर एम एन के डिफरेंट तरह के रिलेशन बन सकते हैं ए तो लैके बी तक, एंड ए क्रॉस बी दे विच एलीमेंट्स किन्ने होंगे एम एन एलीमेंट्स होंगे, विच एज एम एन एलीमेंट्स, एंड टू ते दे डिफरेंट सबसेट्स किस तरह के बन किन्ने बन सकते हैं टू द पावर एम एन बन सकते हैं। उस तो बाद डोमेन ते रेंज बारे भी तुहानू दस्या होया रिलेशन दे विच, जिहड़ा फर्स्ट एलीमेंट होंदा दैट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट एलीमेंट इज़ अ डोमेन सेट, एंड द सेट ऑफ द सेकेंड एलीमेंट इज़ द सेट ऑफ रेंज सेट। उस तो बाद आह कुछ एग्जाम्पल्स दिते हुए तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जिस दे विच तुहाडी रिफ्लैक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन बेटा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, चारों रिलेशन तुहानू बहुत चंगी तरह करवाए हुए है, ते तुसी सेम उही करने है। नैक्सट आ जाता है इक्यूवैलेंस रिलेशन, जो 3 प्रॉपर्टीज रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव होल्ड कर दें तो अपने को इक्यूवैलेंस रिलेशन बन जाता है, इदियां एग्जाम्पल्स आपां नूं दित्तियां हुई हैं। नैक्सट आ जाती है पार्शल ऑर्डर रिलेशन, पार्शल ऑर्डर रिलेशन की होंगे किसी भी रिलेशन नूं जदों अपने को रिफ्लैक्सिव एंटी सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है उन्होंने आपां की कहने हैं कि पार्शल ऑर्डर रिलेशन, रिलेशन आपां की कह दें पार्शल ऑर्डर रिलेशन आ जा कह दें। तो इस चैप्टर के जी आप नवी चीज़ करते हैं वो हैगी पार्शल ऑर्डर सैट, डेफिनेशन सेम है बट फर्क की है, पार्शल ऑर्डर इतने आप रिलेशन कहते सी कि रिलेशन इज़ द पार्शल ऑर्डर रिलेशन, इतने आप कहे पार्शल ऑर्डर सैट नूं कहांगे क्योंकि इहदे विच भी अपने कोल एक सैट हुंदा जे आर रिलेशन आ ऑन द सैट ए, तो आप रिलेशन नूं पार्शल ऑर्डर रिलेशन कह दिंदे सी, आपां हुण इहदी नवीं डेफिनेशन च जस्ट सैट नूं की कह देवांगे पार्शल ऑर्डर सैट कह देवांगे। क्लीयर, इहदी जगह ते आपां ने सैट पी लिख लिता, ए नॉन एम्प्टी सैट पी टूगैदर विद द बाउंड्री रिलेशन आपां नूं आर दिता होया, इस सैट टू फॉर्म ए पार्शल ऑर्डर सैट, इनू के पार्शल ऑर्डर सैट शॉर्ट फॉर्म दे विच पी ओ सैट लिखा जाता है, जे इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, कंडीशनस अपने वही है रिफ्लैक्सीविटी मीनस हर एलीमेंट का अपने आप के नाल रिलेशन है, एंटीसमेट्रिक है मीनस जे ए का बी नाल रिलेशन है बी का ए नाल रिलेशन है तो दोनों एलीमेंट्स की होंगे इक्वल होंगे, ते ट्रांजिटिव रिलेशन कि जे ए दा बी नाल रिलेशन है बी दा सी नाल रिलेशन है तां ए दा सी नाल भी रिलेशन जरूर होएगा, जां तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी है दैन द रिलेशन इज कॉल द पार्शल ऑर्डर सैट। क्लीयर, दिस इज कॉल द पार्शल ऑर्डर सैट। ओके बेटा, इहदे विच की है नवीं चीज़ आउंदी है पो सैट नाल, इहनू पी ओ सैट नाल इहनू डिनोट किया जाता है, तो होर इनू किस तरीके डिनोट किया जाता है पी लैस दैन। ठीक है, इतने लैस दैन जरा है
लैस दैन एक बेटा ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट द जनरल जरा आप लैस दैन और इक्वल टू द मीनिंग समझते हैं उन्हीं ए पार्शल ऑर्डर सैट वास्ते यूज़ किया जाता है ये लैस दैन और इक्वल बोलते भी इनू लैस दैन और इक्वल टू ही है बट दिस इज द साइन फॉर द पार्शल ऑर्डर सैट बोल दिया इनू लैस दैन और इक्वल टू ही जाता है बट दिस इज द साइन फॉर द पार्शल ऑर्डर सैट वास्ते अपन जरा है इनू यूज करते हैं पी पा के नाल जो भी अपना रिलेशन है पार्शल ऑर्डर सैट का इनू आप लैस दैन इक्वल टू वास्ते यूज करते हैं। अगे दिया कुछ पार्शल ऑर्डर सैट दिया एग्जाम्पल्स लिखिया हुई हैं जिमें कि सैट ऑफ नैचुरल नंबरस एन इज़ द सैट ऑफ नैचुरल नंबर फॉर्म ए पार्शल ऑर्डर सैट अंडर द यूजुअल साइन ऑफ लैस दैन इक्वल टू आपू पता ही है कि नैचुरल नंबर का जोड़ा सैट है वह लैस दैन इक्वल टू के अंडर ही अपने को जरा है पार्शल ऑर्डर सैट बना है क्योंकि देखो आहो कि अपने को फस्ट प्रॉपर्टी की है कि हरेक एलीमेंट का अपने आप के ना रिलेशन होंगे ही है क्योंकि वह इक्वल टू होंगे है हरेक एलीमेंट लैस दैन और इक्वल टू दोनों इक्वल टू का साइन है तो वह मीनस इक्वल टू होंगे अपने आप के ना रिलेशन है। सैकेंड एंटीसमेट्रिक भी है वह क्योंकि जे ए लैस दैन इक्वल टू बी है जे टू लैस दैन इक्वल टू थ्री होएगा ज थ्री लैस दैन इक्वल टू टू होएगा तो वह एलीमेंट्स की होंगे अपने को इक्वल बन जाएंगे एंटीसमेट्रिक अपने को जरा है रिलेशन ये जरा है होल्ड करेगा। सैट ऑफ इंटीजर्स रैशनल नंबर आलसो फॉर्म द पार्शल ऑर्डर सैट अंडर रिलेशन क्लीयर क्योंकि टू का टू नाल ही रिलेशन टू का टू नाल रिलेशन जरा है वह बनेगा वह इक्वल एलीमेंट्स अपने को जरा बन जाएंगे तो जे ए का बी नाल रिलेशन है बी का सी नाल रिलेशन है तो वह उस ए का सी नाल भी रिलेशन जरा है वह होएगा ही होएगा क्लीयर बेटा। तो उस तो बाद सैट एन ऑफ नैचुरल नंबर अंडर डिविजिबिलिटी भी अपने को जरा है रिलेशन बनाए है किमें बनाएंगे अंडर डिविजिबिलिटी क्योंकि हर एक एलीमेंट डिविजिबिलिटी की है ए बी नू डिवाइड करते करते हर छो जरा है ए डिवाइड्स बी सैट ऑफ नैचुरल नंबर जोड़े है ए डिवाइड बी अपने को है पार्शल ऑर्डर सैट बन रहा है। उस तो बाद सबसैट अपने को आ जाता है पावर सैट के जो आप पी एक्स पावर सैट लैके चलते हैं तो ए इज़ द सबसैट ऑफ बी पावर सैट का जोड़ा है सबसैट अपने को बनते बनते हैं। तो डी 72 दिस इज आलसो द डिवाइजर्स ऑफ 72 है तो ये भी सारे है अंडर डिवीजन अपने को पार्शल ऑर्डर सैट बनाते हैं। उस तो बाद अपने को आ जाते कंपेयरेबल एंड नॉन कंपेयरेबल एलीमेंट्स कंपेयरेबल तो नॉन कंपेयरेबल एलीमेंट्स कि होंगे किसी भी पार्शल ऑर्डर सैट के जे आप पार्शल ऑर्डर सैट अपने को है उस आप कोई भी दो एलीमेंट्स लेने गए आर सैट टू बी कंपेयरेबल किसी कोई भी दो एलीमेंट्स आप कंपेयरेबल कहने हैं इफ ए इज़ लैस दैन इक्वल टू बी और बी इज़ लैस दैन इक्वल टू ए अदरवाइज ए एंड बी आर कोल्ड नॉन कंपेयरेबल या तो ए बी तो छोटा होना चाहिए मीनस रिलेशन होना चाहिए लैस दैन या बी ए तो छोटा होना चाहिए अदरवाइज वह की होंगे नॉन कंपेयरेबल एलीमेंट्स होंगे जिमें कि एग्जाम्पल नंबर टू जी अपनी सैकेंड एग्जाम्पल है ये नैचुरल नंबरस है वन टू थ्री सारे नैचुरल नंबरस है हूँ जिमें टू तो थ्री है अंडर डिविजन की गल हो रही है अंडर डिविजन के अपने को है अंडर डिविजन टू तो थ्री टू तो थ्री आपस नॉन कंपेयरेबल है नॉन कंपेयरेबल क्यों है ये क्योंकि टू थ्री नो डिवाइड नहीं करता है टू डज नॉट डिवाइड थ्री देअर फोर दीज आर नॉन कंपेयरेबल एलीमेंट्स क्लीयर। बट फस्ट एग्जाम्पल कंपेयरेबल है क्योंकि टू इज लैस दैन थ्री टू थ्री तो लैस दैन है देअर फोर दिस इज हरेक टू की है थ्री तो लैस दैन है देअर फोर यह एक कंपेयरेबल है बट टू थ्री नू डिवाइड नहीं करता सैकेंड एग्जाम्पल देअर फोर सैकेंड एग्जाम्पल से कंपेयरेबल नॉन कंपेयरेबल है क्लीयर। उस तो बाद अगली जी एग्जाम्पल आ जाती है अपने को डेफिनेशन है दैट इज़ द टोटली ऑर्डर सैट और
टोटली TO सैट नाल इहनू डिनोट किया जाता है, जां इहनू चेन भी कह दिता जाता टोटली ऑर्डर सैट नू, जां टोटली लीनियरली ऑर्डर सैट इहनू कहा जाता है, टोटली लीनियरली ऑर्डर सैट इहनू कहा जाता है। इफ पी इज अ पार्शल ऑर्डर सैट, जे पी अपने कोल पार्शल ऑर्डर सैट है, इन विच एवरी टू मैंबरस आर कंपेयरेबल, ठीक है, जिदे विच हरेक दो एलीमेंट्स की है कंपेयरेबल है, मीनस दोनों एलीमेंट्स के हरेक दो एलीमेंट्स के रिलेशन बन रहा है, दैन इट इज कॉल द टोटली ऑर्डर सैट और चेन। क्लीयर, समझ आ गया बेटा? जदों अपने कोले कोई भी एक पार्शल ऑर्डर सैट आपां नूं गिवन है, जदों उहदे सारे एलीमेंट्स आपस दे विच कंपेयरेबल है, हर हर दो एलीमेंट्स आपस दे विच कंपेयरेबल है, दैन दैट इज कॉल्ड द चेन और टोटली ऑर्डर सैट। यानी कि दस इफ पी इज अ चेन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी, आइदर ए लैस दैन इक्वल टू पी और बी लैस दैन इक्वल टू ए होएगा। जिमें कि द पार्शल ऑर्डर सैट इन एग्जाम्पल वन इज ए चेन, फस्ट एग्जाम्पल इज चेन बट टू थ्री फोर आर नोट चेन। जिमें कि फस्ट एग्जाम्पल जी है नैचुरल नंबर जी, ये अंडर लैस दैन की चेन बना रही है, क्यों बना रही है, क्यों बना रही है, क्योंकि नैचुरल नंबर अपन पता वन टू थ्री फोर होंगे, तो हर एलीमेंट की है अपने अगले तो छोटा होंगे, है ना। देखो ये कि बन रही है, एक चेन बन रही हैगी। क्लीयर, तो मीनस ये चेन बन गई है, हर एलीमेंट की है गया, हर दो एलीमेंट आपस दे विच के कंपेयरेबल है। जो दे कहिंदे कोई भी दो एलीमेंट्स अजिहे आ गए जिवें आपां ने टू ते थ्री कढ़ते सीगे कि वो आपस च कंपेयरेबल नहीं है क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो मीनस वह की है फिर कंपेयरेबल। हुण जिवें इत्थे भी टू ते थ्री आपस दे विच कंपेयरेबल नहीं है। क्लीयर, डिवाइड नहीं कर रहे है गे, तो मीनस की है आपस विच कोई भी दो अजिहे एलीमेंट जो अपने को एग्जिस्ट करते जो आपस कंपेयरेबल नहीं है गे किसी भी सैट के पार्शल ऑर्डर सैट, दैन दैट इज नॉट ए चेन। ओके बेटा, नैक्सट इज़ द हासे डायग्राम। हासे डायग्राम भी बेटा थानू जी है मैंने लास्ट रिलेशन चैप्टर के बहुत चंगी तरह करवाई सी, ये भी सेम उस तरह ही है हासे डायग्राम कि कोई भी दो कंपेयरेबल एलीमेंट्स आप एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, ए लैस दैन इक्वल टू बी, ए लाइज बिलो द बी, ठीक है। ये आप एरोज वगैरह नहीं पाते हासे डायग्राम के, जो भी आपने छोटा किसी भी लोअर एलीमेंट में दिखाना है तो उन्होंने आप नीचे की तरफ दिखा दें, ए लाइज बिलो द बी, आप नीचे तरफ दिखा, नॉन कंपेयर एलीमेंट्स आप ज्वाइन नहीं करते है, सिर्फ जिन्हें आपस कंपेयरेबल एलीमेंट्स है उन्होंने ही आप ज्वाइन करते हैं। क्लीयर, यही चीज़ ये भी हासे डायग्राम से। उस तो बाद डेफिनेशन आ जाती है अपने को मैक्सीमल एलीमेंट की आ जाती है। मैक्सीमल एलीमेंट की होंगे है किसी भी सैट के आप मैक्सीमल एलीमेंट की होंगे, एन एलीमेंट ए बिलोंगस टू कैपीटल ए इज कॉल्ड द मैक्सीमल एलीमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलीमेंट इन ए सच दैट ए इज लैस दैन इक्वल टू सी। मीनस किसी भी सैट के अजिहे एलीमेंट नूं आपां मैक्सीमल एलीमेंट कहने हैं जदों अपने कोले उत्थे कोई होर अजिहा एलीमेंट नहीं हैगा जिहड़ा कि उस तों वड्डा होवे, ठीक है। देयर इज नो एनी एलीमेंट इन ए सच दैट कि ए तो वड्डा हो होवे, सी अजिहा कोई एलीमेंट नहीं इहदे विच हैगा कि सी इज ग्रेटर दैन ए बन जाए जा ए की है सी तो छोटा हो जाए, क्योंकि ए की अपने को मैक्सीमल एलीमेंट फिर ही बनेगा ना। मैक्सीमल एलीमेंट का मतलब क्या है, ए की है इस सैट के सारे एलीमेंट्स तो बड़ा सैट है, तो ये अजिहा कोई एलीमेंट नहीं जिहड़ा कि इस तो भी बड़ा हो। इज़ द मैक्सीमल एलीमेंट, ए जिहड़ा ए है स्मॉल ए कैपिटल ए दे सारे एलीमेंट्स तो बड़ा एलीमेंट है, तो उत्थे कोई अजिहा एलीमेंट नहीं है। देयर इज नो एनी एलीमेंट इन कैपिटल ए सच दैट कि ए की है उस तो छोटा हो जाए। क्लीयर, समझ आ गई बेटा? उन्हों आपा की कहने हैं मैक्सीमल एलीमेंट कहने हैं। तो मिनीमल एलीमेंट की होंगे है कि एन एलीमेंट बी बिलोंगस टू कैपिटल ए इज कॉल्ड द मिनीमल एलीमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलीमेंट सी इन ए कि ए दे विच कोई अजिहा सी एलीमेंट नहीं हैगा सच दैट
सी की है बी तो छोटा हो जावे, मीन्स की है कि बी की है सब तो छोटा एलिमेंट है, उस तो छोटा कोई अजिहा एलिमेंट नहीं जेरा कि बी तो भी छोटा हो जावे। बी की है ए दे सारे एलिमेंट्स तो छोटा एलिमेंट है, उत्थे कोई अजिहा एलिमेंट नो एलिमेंट सी एग्जिस्ट, कोई अजिहा एलिमेंट सी एग्जिस्ट नहीं करता कि वो बी तो भी छोटा हो जावे। बी अपने को लेके सब तो छोटा एलिमेंट है बेटा, क्लियर समझ आ गया। सो दिस इज अ मिनिमल एलिमेंट एंड द मैक्सिमल एलिमेंट द डेफिनेशन। उस तो बाद अपने को बेटा हाँ एग्जाम्पल्स आ जाएंगियाँ, एग्जाम्पल्स जेरियाँ है जिमी की हासे डायग्राम दिया ही है कि हासे डायग्राम बनाओ। सब तो पहला नॉन ट्रिवियल डिवाइजर्स ऑफ अपन ने 12 लिख लिया, 12 के डिवाइजर्स अपन पता है कि केड़े होंगे, 2, 3, 4, 6 ऑल दिस आर द, ये अपने पार्शल ऑर्डर सेट बना लिया गया जेडे की है मीन्स 12 के डिवाइजर्स का बन रहे है। तो अपन ने हूँ यदा की करना है दैन दस पी फॉर्म द पार्शल ऑर्डर सैट अंडर डिविजिबिलिटी रिलेशन। डिविजिबिलिटी रिलेशन तो अपन ने हूँ बनाना है ए डिवाइड्स बी। हूँ अपन पता है 2, 2, 3 नू डिवाइड नहीं करता, 3, 4 नू डिवाइड नहीं करता, 4, 6 नू डिवाइड नहीं करता, इन्हों का तो आपस दीज आर आपस से नॉन कंपेयरेबल एलीमेंट्स है। 2, 4 नू डिवाइड करता है, 6 नू भी डिवाइड करता है, 3, 6 नू डिवाइड करता है, ये आपस से की है कंपेरेबल एलीमेंट्स है। तो उस अकॉर्डिंग आप करेंगे डायग्राम बना देवे, 2 ते 3 सब तो छोटे एलीमेंट्स है तो आपस के नॉन कंपेयरेबल है, इन्हों ज्वाइन नहीं करना अपन ने, इन्हों लोअर शो कर दिता। 4 ते 6 भी आपस नॉन कंपेयरेबल है, इन्हों ज्वाइन नहीं करना, तो बट ये अपर हायर इन्हों थोड़ा उपर करके शो कर दिता, तो जिन्हें जेडे जेडे आपस के कंपेयरेबल से उन्होंने ज्वाइन कर दिता, जेडे नॉन कंपेयरेबल से उन्होंने नहीं ज्वाइन करना। क्लियर बेटा। उस तो बाद आपू एक्स एक सैट दिता जिस 1, 2, 3 एलीमेंट्स है, तो पार्शल ऑर्डर सैट आपू दिता होएगा द पावर सैट ऑफ एक्स फॉर्म द पार्शल ऑर्डर सैट अंडर की है सबसैट रिलेशन दे विच अपने को ले बना रहा है। इट इज़ रिप्रजेंटेड इन डायग्राम जी है बेटे, इस तरह की डायग्राम आप रिलेशन चैप्टर च भी की सी 5, 1, 2, 3 कि केड़े केड़े सबसैट है। देखो 5 तो सब का ही सबसैट होंगे तुम्हें पता ही है, 1, 2, 3 आपस दे विच कोई एक दूजे का सबसैट नहीं है, इस करके इन्हों अड अड कर दिता गा। 5 सब का सबसैट है, सब के नाल ज्वाइन कर दिता, सब तो नीचे इनू इसी करके लेता है क्योंकि सब का सबसैट। उस तो बाद 1, 2, 1, 3 तो 2, 3 तुम इस तरह सैट किए हैं कि जेडे जेडे आह नीचे वाले जेडे इन्ना दे की है इन्हों आप ज्वाइन कर सकते। 1, 2, 3 सुपर सैट ही है अपने को, 1, 2, 3 के सारे आ जाते, सब के नाल ज्वाइन कर। ठीक है, अगले एग्जाम्पल भी इस तरह बेटा तुम कर सकते होगी। उस तो बाद अपने को जी डेफिनेशन आ जाती है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलीमेंट ऑफ ए पार्शल ऑर्डर सैट आ जाती है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलीमेंट ऑफ ए पार्शल ऑर्डर सैट की होंगे है कि जे पी अपने को पार्शल ऑर्डर सैट है दैन देयर एग्जिस्ट एन एलीमेंट ए बिलोंगस टू पी, तो पी का एक अजिहा एलीमेंट सच दैट कि ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू फॉर एवरी एक्स। ठीक है, तो फिर इन कही कि एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगस टू पी, यानी कि पी का हरेक एलीमेंट इस एलीमेंट तो छोटा है दैन ए इज कोल द ग्रेटेस्ट एलीमेंट ऑफ पी। समझ आ गया, ग्रेटेस्ट का मतलब नाम तो ही क्लियर है कि जरा सब तो बड़ा एलीमेंट है, सब तो बड़ा एलीमेंट मीनस जदों वह पी के सारे एलीमेंट्स तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगस टू पी, जदों पी के सारे एलीमेंट्स तो बड़ा एलीमेंट है उन्होंने आप कहने ग्रेटेस्ट एलीमेंट ऑफ पी कहने, या फिर इनू यूनिटी भी कहा जाता है, इनू यू और वन के नाल डिनोट किया जाता है। ग्रेटेस्ट एलीमेंट नू आपां यू या वन के नाल डिनोट कर दें, ग्रेटेस्ट एलीमेंट इफ इट एग्जिस्ट और पार्शल ऑर्डर सैट इज जनरली डिनोटेड बाय यू और वन के नाल इनू डिनोट। उस तो बाद अपने को आ जाता है लीस्ट, इनू लीस्ट या जीरो एलीमेंट के नाल इनू डिनोट किया जाता है इफ बी बिलोंगस टू पी एंड बी इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगस टू पी, यानी कि एक अजिहा एलीमेंट जेड़ा पी दे सारे एलीमेंट्स तो छोटा है उन्होंने आप कहने लीस्ट एलीमेंट कहने, तो इनू जीरो के नाल डिनोट किया जाता है।
क्लियर बेटा? लीस्ट एलिमेंट का मतलब कि सैट का सब तो छोटा एलिमेंट, ते ग्रेटेस्ट का मतलब सैट का सब तो बड़ा एलिमेंट। क्लियर? दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एलिमेंट। आ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिती हुई हैं बेटा, तुसी रीड कर लेना गा। इस तो अगे आपां नैक्सट लैक्चर करांगे। थैंक यू बेटा।